नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 राजस्थान का आर्थिक समीक्षा। हम देखेंगे वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, इसका पहला चैप्टर रहेगा। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हमें देखनी होंगी, जैसे कि राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, राजस्थान का जीएसडीए कितना है, एनएसडीपी और राजस्थान की पीसीए पर कैपिटल इनकम कितनी है लोगों की। तो इन सब टॉपिक्स पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसडीपी केस क्या होती है। तो जिस प्रकार भारत की जीडीपी निकाली जाती है, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर जीएसडीपी निकाली जाती है। और जीएसडीपी की डेफिनेशन है कि किसी भी एरिया की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर उस वहां के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य से हम जीएसडीपी की गणना करते हैं। और जीएसडीपी में ध्यान रखें कि कभी भी मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे दोहरी गणनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। तो स्थिर या बुनियादी मूल्यों पर अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, 8.45 लाख करोड़। ये है स्थिर कीमत पर, जो कि आधार वर्ष स्थिर कीमत पर है 2011-12। प्रचलित कीमत पर बात करें तो प्रचलित कीमत पर है 15.28 लाख करोड़। ये जीएसडीपी है राजस्थान की, 8.45, 15.28। भारत की जीडीपी की बात करते हैं तो भारत की जीडीपी है 173.82। स्थिर कीमत का जो आधार वर्ष है वो सेम है 2011-12, तथा प्रचलित कीमत की अगर हम बात करें तो 295.36 लाख करोड़। यह है प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण बातें हमने बात की हैं, कौन कौन सी। एक तो राजस्थान की जीएसडीपी जो कि स्थिर कीमत पर है 8.45, 8.45 लाख करोड़, जो कि जिसका कि भारत की स्थिर कीमत पर जो जीडीपी है 173.82 लाख करोड़, उसमें 4.86% का योगदान है। लगभग कह सकते हैं कि 5% का योगदान है। और इसी प्रकार प्रचलित कीमत पर जो राजस्थान की जीएसडीपी है 15.28 लाख करोड़, और भारत से तुलना करते हैं तो भारत की है 295.36 लाख करोड़। तो राजस्थान का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 5.17% का है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान लगभग 5% है। अब अगर वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए, स्थिर कीमत पर पिछली बार से वृद्धि हुई है 8.03%, और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है 12.56% राजस्थान की। और वृद्धि अगर भारत की देखें तो स्थिर मूल्यों पर 8.2%, लगभग 8-8% की वृद्धि हुई है, लेकिन भारत की प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है 9.6%। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने के लिए ये है कि इस बार का जो आर्थिक समीक्षा है उसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को भी बताया गया है, जो कि कुछ वर्षों का एक साथ मिलाकर औसत ग्रोथ रेट कितनी हुई है ये बताया गया है, जो कि स्थिर कीमत पर है 5.65% तथा प्रचलित कीमत पर ये है 11.19%। तो ये तो हमने एक महत्वपूर्ण पहला बिंदु पढ़ा, जिसे जीएसडीपी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और चीज हम बात करेंगे, जो कि होती है जीएसवीए। जीएसवी एक फुल फॉर्म है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जीएसडीपी है उसी से इसकी गणना की जाती है। तो जीएसडीपी में से अगर हम जो सब्सिडी हम लोगों को देते हैं वो जोड़ दिया जाए और जो टैक्सेस हैं उनको घटा दिया जाए तो जीएसवी हमें प्राप्त होता है। जीएसवी के लिए तीन आधार है, कृषि, उद्योग और सेवा। अब जीएसवी की अगर हम बात करें तो इस बार का कुल राजस्थान का स्थिर कीमतों पर जीएसवीए है 7.81 लाख करोड़, और प्रचलित कीमत पर है 14.28 लाख करोड़। इसी प्रकार वृद्धि देखें पिछली बार से, तो इस बार वृद्धि हुई है लगभग 7% के करीब वृद्धि हुई है, और 12% के करीब प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है, तो 6.92 तथा प्रचलित कीमतों पर जीएसवी कितना है, 11.86%। अब जैसा कि अभी हमने बात की कि जीएसवी को पुनः तीन श्रेणियों में बांटा गया है, कृषि, उद्योग और सेवा। तो दोनों रूपों में कि भाई स्थिर कीमत पर और क्या योगदान रहा है, और इसके बाद हम प्रचलित कीमत पर क्या योगदान रहा है उसकी बात करते हैं। जो स्थिर कीमत पर अगर हम बात करते हैं तो कृषि, उद्योग और सेवा का हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि 26, 30, 43। वैसे तो पॉइंट में अगर एग्जैक्ट डेटा देखना है तो 26.21 कृषि का योगदान है, जिसमें कि 2% की वृद्धि हुई है पिछले बार से। उद्योग का जो योगदान है वो है 29.84%, लगभग 30%।
जिसमें 12% के लगभग वृद्धि हुई है। और सेवा क्षेत्र में 43.95% का योगदान है, जो कि सर्वाधिक है, और इसमें पिछले साल की तुलना में 6% की वृद्धि हुई है। और प्रचलित कीमत पर बात करें तो कृषि का योगदान राजस्थान की जीडीपी में तो कृषि का योगदान 26.72% है और उद्योग का 28% के लगभग 28.21%, सेवा का योगदान है 45.07%। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। और अगर भारत की जीएसवीए की बात करते हैं तो कृषि का योगदान 17%, उद्योग का 27 और सेवा का 54% है। 17.66, 27.62 और 54.72%। तो ये तो बात हुई हमारे जीएसवीए की। जीएसवीए, जैसा कि हमने बात करा, सकल राज्य मूल्य संवर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनएसडीपी की, तो देखिए ध्यान रखें कि जीएसडीपी जो है वो सबसे ज्यादा ही, उससे थोड़ा कम जो वैल्यू है वो जीएसवीए की आई है, क्योंकि जीएसडीपी से इसे निकाला। अब अगर हम बात करते हैं एनएसडीपी की, तो एनएसडीपी जो है वो कितना आया है इस बार? अब एनएसडीपी है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, अर्थात जो जीएसडीपी है हमारी वो बेस है। जीएसडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें, लाइक जो भी भवन मशीन औजार आदि में जो मूल्य के मूल्य में गिरावट आई है, जैसे कि हमने कार खरीदी है तो उसका 2 साल तक यूज करने पर उसकी वैल्यू घट जाती है, तो उस मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो जो एग्जिट अमाउंट आता है वो है एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनएसडीपी जो है वो स्थिर कीमतों पर राजस्थान का है 7.41 तथा प्रचलित कीमतों पर है 13.69। वृद्धि देखें तो 8 और 13 की लगभग वृद्धि हुई है, 8.10% वृद्धि स्थिर कीमतों पर और 12.70% वृद्धि जो है वो प्रचलित कीमतों पर एनएसडीपी की हुई है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन, जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीआई। पीसीआई नहीं, पर कैपिटा इनकम, राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जिसकी गणना एनएसडीपी पर की जाती है, कि एनएसडीपी को राज्य की मध्यवर्ती जनसंख्या से डिवाइड करने पर हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है। तो पीसीए की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसे भी हम स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर देखेंगे। पिछली बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई राजस्थान की स्थिर कीमत पर कैपिटल इनकम कितनी है, प्रचलित कीमत पर कितनी है, इसी प्रकार भारत की कितनी है स्थिर और प्रचलित कीमतों पर। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रखना है 90,831 राजस्थान की स्थिर कीमतों पर पीसीआई, 167,964 राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर पीसीआई, 90,831, 167,964 इस प्रकार भारत की स्थिर कीमत पर है 106,744 रुपए और भारत की प्रचलित कीमत पर है 184,205। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो जैसे इस राजस्थान में अगर बात करते हैं ना स्थिर कीमत पर इनकम की, तो लगभग 90,000 रुपये एक व्यक्ति को एक वर्ष में मिलते हैं, और राजस्थान में प्रचलित कीमत पर अगर इसका महंगाई को भी इंक्लूड कर दे तो 1,67,000 रुपये उसकी एवरेज इनकम है। और भारत में इसी तरह 1,06,700 के लगभग स्थिर कीमत पर इनकम है, और प्रचलित कीमत पर बात करें तो इसमें महंगाई का फैक्टर इंक्लूड रहता है, तो 1,84,000 रुपये की इनकम रहती है पर व्यक्ति। स्थिर कीमतों में वृद्धि देखें पिछली बार से, तो देखिए लगभग 7% की वृद्धि राजस्थान में हुई है और स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर लगभग 11.5% की वृद्धि हुई है। भारत की बात करें तो 7.38% वृद्धि हुई है और भारत में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि जो है वो 8.68% हुई है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि प्रचलित कीमत पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2022-23 में कितना है, टोटल 4 लाख करोड़ के समथिंग जो है वो 3,99 कुछ इस तरीके से है, तो 4 लाख करोड़ के लगभग है और जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है वो निर्माण क्षेत्र की है, उसके बाद आवासीय भवन और थर्ड नंबर पर है लोक प्रशासन। तो ये कुछ टॉपिक जो है इस बार के आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। साथ ही फर्स्ट चैप्टर में आपको होल प्राइस इंडेक्स तथा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। तो WPI और CPI क्या है वो हम अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें WPI की। WPI होल प्राइस इंडेक्स, या इसको थोक मूल्य सूचकांक भी कहते हैं,
ये व्यापक रूप में मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, बट इसमें केवल वस्तु को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। इसलिए हम जो सीपीआई को थोड़ा मुख्य मुख्य मानते हैं। मानते हैं, और डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष वो 1999-2000। इसमें कुल वस्तुएं 154 ली गई है, और 2023-24 का जो सी डब्ल्यूपीआई है वो है 387.90। और जब हम बात करते हैं सीपीआई की, तो सीपीआई जो है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समय अवधि के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य में आए परिवर्तन को बताता है। और ये भी प्रतिमाह मासिक रूप से जारी किया जाता है। दोनों ही मासिक रूप से जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ वस्तुओं में परिवर्तन को बताता है, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों से संबंधित है। अब सीपीआई को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सीपीआईआईडब्ल्यू, सीपीआईआईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए। दूसरा है एएन यानी कृषि श्रमिकों के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए। तीसरा है आरएल यानी रूरल ग्रामीण श्रमिकों के लिए। और चौथा है ग्रामीण और शहरी संयुक्त के लिए। तो जो शुरुआत के तीन है सीपीआईआईडब्ल्यू, एएल और आरएल, इन तीनों का ही जारी करता जो है अब चेंज हो चुका है। अब वो है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, ध्यान रखें इन तीनों का। जबकि ग्रामीण और शहरी संयुक्त जो है इसका वो जारी करता है एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगर हम इनके बेस ईयर की बात करें तो वो भी सभी के अलग अलग हैं। सीपीआईआईडब्ल्यू का बेस ईयर है 2016, सीपीआईएएल और आरएल का है 86-87, 1986-87, जबकि ग्रामीण और शहरी संयुक्त का है 2012। ये तीनों आधार वर्ष हैं। इस बार टोटल जो औद्योगिक केंद्र माने गए हैं वो है भारत में 88 केंद्र, और उनमें से राजस्थान के तीन प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। और इस बार की जो नई श्रृंखला है उसका आधार वर्ष 2016 माना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की हमने की हैं वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों के परिदृश्य से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।